हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर से जुड़े पेपर S5 विद्यालय में स्वास्थ्य योग एवं शारीरिक शिक्षा, जो हम लोग का पेपर है S5, उसके इकाई 5 को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है स्वास्थ्य शिक्षा और विद्यालय के बारे में पढ़ना है। तो S5 पेपर में आपको 5 इकाई पढ़ने हैं। तो इकाई 4 तक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, यह वीडियो इकाई 5 का है। अगर आप लोगों ने इकाई 4 तक वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो डाला जा चुका है। यह आपका आखिरी इकाई है, इकाई 5। तो हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे विद्यालय का भौतिक वातावरण क्या होता है। तो विद्यालय का भौतिक वातावरण का संबंध विद्यालय के उस सारे वातावरण से जुड़ा है जिसके अंतर्गत केवल सुरक्षित एवं स्वस्थ सुविधाएँ ही नहीं बल्कि अध्ययन, खेल, छात्र अध्यापक संबंध भी शामिल है। यानी जो आपका भौतिक वातावरण होता है विद्यालय का, उसमें सिर्फ आपका सुरक्षित एवं स्वस्थ सुविधाएं ही नहीं बल्कि अध्ययन, खेल, छात्र अध्यापक एवं संबंध भी इसका क्या है, शामिल होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्यालय वातावरण से तात्पर्य क्या है। विद्यालय वातावरण से तात्पर्य है विद्यालय के कक्षा कमरे, भवन, आस पड़ोस, क्रीड़ा स्थल, बैठने का प्रबंधन, वायु एवं फ्रेश पेयजल, एकल कार्यक्रम एवं समय सारणी तथा कार्य करने की अनुकूल परिस्थितियां से है। यानी जो आपका विद्यालय का वातावरण से क्या तात्पर्य है, विद्यालय के कक्षा कमरे, भवन, आस पड़ोस, क्रीड़ा स्थल, बैठने का प्रबंधन, वायु एवं फ्रेश पेयजल, एकल कार्यक्रम, समय सारणी एवं कार्य करने की अनुकूलन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विद्यालय का वातावरण बच्चों के सामाजिक और संवेगात्मक समायोजन में सहायता करता है। जो आपका विद्यालय का जो वातावरण होता है बच्चों क्या करता है, सामाजिक रूप से एवं समयगात्मक रूप से क्या करता है, मदद करता है। उनके सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है, उत्प्रेरणा देता है और उनके स्वास्थ्य की वृद्धि एवं सुरक्षा करता है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इसके अंतर्गत विद्यालय की स्थिति, विद्यालय भवन, खेल का मैदान, शैक्षिक उपकरण, पेयजल, शौचालय, साज सज्जा तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था आती है। इसके लिए उपयुक्त स्थान, भूमि तथा वातावरण आदि की ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी जब भी कभी विद्यालय की स्थापना हो तो वहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को उपयुक्त स्थान को ढूंढना है, वातावरण वहाँ पे शांत रहना चाहिए तभी वहाँ पे विद्यालय का स्थापना करना है। क्योंकि कोई भी बच्चा जब विद्यालय का वातावरण अच्छा रहेगा तो वहाँ पे क्या करेगा, वो बच्चा अच्छा चीज़ों को सीखेगा। और विद्यालय का वातावरण सही नहीं रहेगा तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पे गलत चीज़ों को भी सीख जाएगा। तो कभी भी विद्यालय के आस पड़ोस में क्या करना है, हमेशा एक अच्छा माहौल बना के रखना है ताकि बच्चे वहाँ से अच्छी चीज़ों को सीखे। तो आगे हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई। तो व्यक्तिगत स्वच्छता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। सफाई एवं स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतें यदि बचपन में ही खेल खेल में सिखाई जाए तो बच्चे इसे सदैव याद रखते हैं एवं उनके नियम से पालन भी करते हैं। और छोटे बच्चे को खेल खेल के माध्यम से ही उसे हम लोग स्वच्छ रहने के लिए एवं साफ सफाई के लिए क्या करें, बताए, तो बच्चा क्या कर सकता है, उसे जल्दी ही सीख जाएगा और हमेशा अपने जीवन में उसका प्रयोग करेगा। क्योंकि जो बच्चा का जो काल होता है 5 से 6 वर्ष जो आयु होती है, क्या होती है, वो सीखने के लिए बुनियादी आयु होती है। उसमें बच्चा जल्दी से सीखता है और उसे काफ़ी दिनों तक हमेशा अपने दिमाग में सेट करके रखता है। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, छोटे बच्चों को 5 से 6 वर्ष की आयु तक ही क्या करना है, बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए एवं साफ सफाई के लिए क्या करना है, उसे जागरूक कर देना है, उसे हमेशा इसके लिए तत्पर रखना है ताकि बच्चे हमेशा स्वस्थ रहे एवं साफ सफाई पर ध्यान दे। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता में अपने संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखना, हाथों की स्वच्छता, नाखूनों की स्वच्छता, बालों की स्वच्छता, कपड़ों की स्वच्छता आदि सम्मिलित है। यानी जो आपको क्या करना है, इसमें अपने आप को यानी अपने बॉडी को स्वस्थ रखना है, हाथों की स्वच्छता पे ध्यान देना है, नाखूनों की स्वस्थ रखना है, बालों पर कपड़ों पर क्या करना है, काफ़ी ध्यान देना है। क्योंकि अगर ये सब अगर आपके स्वस्थ रहेंगे तो आप खुद मतलब एक स्वस्थ रहेंगे और हमेशा अच्छे महसूस करेंगे अपने आप को, एक अच्छा मतलब व्यक्ति के रूप में अपने आप को समाज में एक स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं या फिर हमेशा करेंगे। तो अपने आप को कैसे रखना है, आपको साफ सुथरा रखना है ताकि आप एक समाज में एक अच्छे नागरिक की पहचान बना सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए व्यक्ति को शुद्ध जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार आदि पर ध्यान देना चाहिए। और व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो क्या करना होगा, उसे शुद्ध जल, शुद्ध वायु, संतुलित आहार लेना होगा।
नेक्स्ट का पॉइंट है, व्यक्ति को अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए और हमेशा स्वस्थ रहना चाहिए। व्यक्ति को क्या करना है, अपने शरीर पर ध्यान देना है और हमेशा साफ सुथरा में रहना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है तीसरा, व्यक्ति को बाहरी स्वच्छता के लिए अपने त्वचा, बाल, नाखून, मुंह, दांत, जीभ, आंख, कान, नाक आदि को नियमित रूप से साफ रखना चाहिए ताकि बीमारी से बच सके। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, व्यक्ति को स्वस्थ और स्वच्छ रहने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है पांचवा, व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज और स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई रहना चाहिए ताकि किसी भी तरह की बीमारी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना तो क्या करना होगा, वही व्यक्ति को एक्सरसाइज करना होगा यानी कि व्यायाम करना होगा। और किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है यानी कि साफ सुथरा रहना है, उसे क्या करना होगा, व्यक्ति को हमेशा उसके लिए क्या करना, जागरूक रहना होगा और हमेशा उससे क्या करना है, मतलब परहेज करना है ताकि हम लोग क्या कर सके, बीमारी से बच सके। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है विद्यालय में मिड डे मील। क्या हम लोग का पॉइंट्स, विद्यालय में मिड डे मील। तो मिड डे मील स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई एक स्कीम है जिसके जरिए स्कूल में पढ़ रहे छोटे आयु के बच्चों को पोषक भोजन खाने के लिए दिया जाता है। जो आपका मिड डे मील है वो क्या है, एक तरह का स्कीम है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, जो सरकारी विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन प्राप्त होता है ताकि बच्चे क्या कर सके, सही रूप से उसका पोषण हो सके और ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। ये स्कीम काफ़ी सालों से हमारे देश में चल रही है और इस स्कीम को हर स्टेट के सरकारी स्कूलों में चलाया जा रहा है। जो ये आपका स्कीम है मिड डे मील, ये काफ़ी दिनों से चल रहा है और विद्यालय मतलब कि जो भी अपने देश में सरकार में जो भी सरकारी विद्यालय है वो सब में सब क्या है, लागू है मिड डे मील। नेक्स्ट का पॉइंट है मध्यान्ह भोजन भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत पूरे देश के प्राथमिक और लघु विद्यालयों के छात्रों को दोपहर का भोजन निःशुल्क प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो आपका मिड डे मील चलाने के क्या फ़ायदे हैं, नामांकन बढ़ाने के लिए, प्रतिधारण और उपस्थिति में सुधार लाने के लिए एवं बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार करने के लिए जरूरी स्कीम है। नेक्स्ट का पॉइंट है अधिकतर बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और दोपहर तक उन्हें भूखा क्या होता है, उन्हें भूख लग जाता है। अधिकतर बच्चे क्या होता है, सुबह में भूख मतलब खाना खा के नहीं आते हैं तो उसे दोपहर तक क्या होता है, भूख लग जाता है, जिससे क्या करते हैं वो बच्चे स्कूल से भाग जाते हैं। तो वैसे बच्चों को स्कूल में रोकने के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को मिड डे मील में भोजन के देना होता है ताकि बच्चे भोजन करें और फिर से विद्यालय में शिक्षा को प्राप्त करें। नेक्स्ट इसी में है जिससे उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता, यानी कि जब बच्चे भूखे हो जाएंगे तो उन्हें पढ़ाई में तो मन लगेगा नहीं। तो यही सब को देखते हुए 15 अगस्त 1995 को क्या किया गया, मिड डे मील किया शुभारंभ किया गया भारत देश में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिड डे मील का उद्देश्य क्या है, बच्चों का क्या हो, बेहतर विकास हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल आ सके, छात्रों को पौष्टिक भोजन के द्वारा स्वास्थ्य लाभ मिले, नामांकन में वृद्धि लाना हो तो मिड डे मील काफ़ी ज़रूरी है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए क्या करें, रोके रखना। नेक्स्ट है छठा आपका, बिना किसी भेदभाव के साथ भोजन करने से भातृत्व का भाव उत्पन्न होता है, जातिगत भाव क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मिड डे मील स्कीम एक सुविचारित कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वंचित बच्चों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन कम से कम एक पोषण की दृष्टि से पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराना है। जो आपका मिड डे मील है उसका क्या उद्देश्य है, वंचित बच्चों को प्रतिदिन कम से कम एक पोषण की दृष्टि से पर्याप्त भोजन क्या करना है, उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है मिड डे मील की विशेषताएँ। क्या पॉइंट हम लोग का, मिड डे मील की विशेषताएँ क्या है। तो मिड डे मील योजना का मकसद बच्चों को पोषण भरा खाना देना है ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। ये आपका पहला पॉइंट है मिड डे मील का विशेषता के रूप में। दूसरा आपका है गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 1 से 5 तक के हर बच्चे को दिए जाने वाले खाने में कैलोरी की मात्रा 450 ग्राम और प्रोटीन कम से कम 12 ग्राम होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है स्वास्थ्य अभिलेख। क्या है पॉइंट हम लोग का, स्वास्थ्य अभिलेख यानी कि या फिर मेडिकल रिपोर्ट, दोनों एक ही होता है। तो मेडिकल रिकॉर्ड में किसी भी बच्चे या इंसान की नाम, जन्म तिथि, मेडिकल टेस्ट, इलाज, दवा और स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर द्वारा की गई टिप्पणी का क्या होता है, रिकॉर्ड रहता है। जो आपका मेडिकल रिपोर्ट होता है या फिर स्वास्थ्य अभिलेख होता है उसमें क्या होता है, किसी भी बच्चे का नाम होता है, जन्मतिथि शामिल होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, उसका इलाज के बारे में जो भी होता है वो भी उसमें शामिल रहता है, दवा और स्वास्थ्य के बारे में क्या होता है उसमें डॉक्टर द्वारा जो भी टिप्पणी किया गया वो भी लिखा रहता है। तो क्या कहलाता है आपका, मेडिकल रिपोर्ट कहलाता है, स्वास्थ्य अभिलेख कहलाता है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट है हम लोगों का
स्वास्थ्य अभिलेख का तात्पर्य छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संग्रह से है, जिसमें छात्रों की शारीरिक क्षमता, आयु, वजन, फिटनेस, रक्त समूह आदि की जानकारी निहित होती है। जो आपका स्वास्थ्य अभिलेख होता है उसमें क्या होता है, बच्चे का आयु, वजन, उसका शारीरिक क्षमता, फिटनेस, रक्त समूह आदि का तो उसमें शामिल रहता है। विद्यालय स्वास्थ्य अभिलेखों में छात्रों के चिकित्सीय इतिहास, शारीरिक परीक्षाएँ, स्क्रीनिंग परिणाम तथा आपातकालीन सूचनाएँ क्या होता है उसमें शामिल रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्वास्थ्य अभिलेखों को छात्रों के शिक्षण काल के दौरान रखा जाता है। जब बालक का स्थानांतरण किसी अन्य स्थान पर होता है तो अभिलेखों को हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी किसी भी विद्यालय में बच्चे जब इंट्री लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसका एक टेस्ट के रूप में हम लोग रखते हैं मेडिकल रिपोर्ट, लेकिन जब बच्चा वो स्कूल को छोड़ के जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे उस रिपोर्ट को उसे सौंप देते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, स्वास्थ्य अभिलेख के उद्देश्य क्या है। क्या है हम लोग का पॉइंट, स्वास्थ्य अभिलेखों के उद्देश्य क्या है, तो छात्रों के स्वास्थ्य को वास्तविक जानकारी रखने के लिए, छात्रों के स्वास्थ्य की जानकारी रखना है तो हमें क्या करना होगा, स्वास्थ्य अभिलेख बनाना होगा। मेडिकल शोध करने के लिए, किसी प्रकार की गंभीर क्षति होने पर उसके उपचार में क्या कर सके, सहयोग कर सके। पारा मेडिकल या डेंटल शिक्षा हो देना होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या आपका, कुपोषित या बीमार छात्रों की पहचान करने हेतु उपाय करना है। स्वास्थ्य अभिलेख का उद्देश्य क्या है, कुपोषित या बीमार बच्चों की क्या करनी, पहचान करना है और उसे सही ट्रीटमेंट देकर ठीक करने का भी प्रयास करना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है, हेल्थ कार्ड क्या होता है। इसके तहत आपको एक डिजिटल कार्ड मिलेगा जिसे लेकर आप देश के किसी भी कोने से अपना इलाज करवा सकते हैं। जो आपका हेल्थ कार्ड होता है कैसा होता है, डिजिटल होता है, एक तरह का डिजिटल कार्ड की तरह होता है, जिसे लेकर आप क्या कर सकते हैं, भारत के किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, किसी भारत के किसी भी अस्पताल में क्या कर सकते हैं, अपना इलाज करवा सकते हैं मुफ्त में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यह हेल्थ केयर की सुविधा हर भारतीय के लिए शुरू की गई है। ये जो आपका सुविधा है हेल्थ कार्ड का, ये प्रत्येक भारतीयों के लिए लागू है, जागरूक है, प्रत्येक भारतीय इसे बना सकता है, उसका यूज कर सकता है। इस डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत आपको एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा जिसे इस्तेमाल कर आप देश के किसी भी हिस्से से अपनी इलाज करा सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है, हेल्थ कार्ड विद्यालय स्तर पर छात्रों के रोगों से बचाव हेतु एवं उनके वैक्सीनेशन हेतु बनाया जाता है। इसी के आधार पर छात्रों के समय समय पर रोगों से बचाव के लिए टीके, जांच, औषधियाँ का सुविधा या फिर व्यवस्था किया जाता है। जो आपका हेल्थ कार्ड होता है उसके द्वारा क्या होता है, बच्चों का जो भी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती है छोटे बच्चे का, उसे हम लोग क्या करते हैं, मुहैया कराते हैं। नेक्स्ट आप लोग का पॉइंट है, विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए क्या करना होगा या फिर कैसे करेंगे। तो विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता का आयोजन कर बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का क्या करना है, उत्पन्न करना है बच्चों के अंदर, ताकि वो बच्चे स्वस्थ रहे, साफ सुथरा रहे। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने से रोगों से बच सकते हैं। अगर आप लोग या हम लोग सबको क्या कर सकते हैं, अगर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो क्या हो सकता है, हम लोग रोगों से बच सकते हैं, किसी भी तरह की बीमारी हम लोग को नहीं होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षकों का हेल्थ कार्ड या फिर हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में क्या करें, नामित करें। प्रत्येक विद्यालय में दो शिक्षक को क्या करें, हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के रूप में क्या करें, नामित करें, जिन्हें स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एवं रोगों को रोकथाम के लिए क्या करना होगा, प्रशिक्षण किया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर हर हफ्ते एक घंटे रोचक गतिविधि के माध्यम से सत्र को आयोजित करे। यानी किसी भी विद्यालय में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना तो क्या करना होगा, हमें दो शिक्षकों को चयन करना होगा, जिसमें से क्या करना है, आपको दोनों शिक्षकों को क्या करना है, पहले प्रशिक्षण देना है ताकि वो दूसरों को क्या कर सके, प्रशिक्षित कर सके, कैसे बीमारी से बचना है, कैसे साफ सुथरा रहना है, कैसे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। तो फिजिकल टीचर का होना काफ़ी जरूरी है विद्यालय में, ताकि वो बच्चों को सही ज्ञान दे सके, सही दिशा में उसे लाने का प्रयास कर सके। तो ये थे आपके आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने बात किया आपके डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर S5 के इकाई 5 को हम लोगों ने देखा, और इकाई 4 तक अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और ये आपका इकाई 5 का वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।